हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कमर दर्द लंबर पेन के बारे में। कमर दर्द एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं कमर दर्द से परेशान रहती हैं, लंबे समय तक परेशान रहती हैं और इसका इलाज नहीं हो पाता। तो आज मैं आपसे बात करता हूं होम्योपैथिक उन दवाइयों के बारे में जिनसे आप कमर दर्द को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, कमर दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। दोस्तों, कमर का दर्द एक बहुत आम समस्या आज के दिनों में होके रह गई है। पुरुषों में और महिलाओं में खास करके ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि महिलाएं काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, किचन में काम करती हैं, तो उठने और बैठने से कमर में कभी कभी झटका लग जाता है। कभी कभी उस झटके की वजह से कमर का दर्द की शुरुआत हो जाती है, कभी कभी ठंड के वजह से कमर के दर्द की शुरुआत होती है और कभी कमर में मोच लगने की वजह से होती है। ज्यादातर जो कमर के दर्द का प्रॉब्लम होता है वो हेवी वेट, भारी वजन उठाने की वजह से, झुक के अगर कोई वजनदार चीज कोई उठाते हैं, कोई वजनी चीज उठाते हो तो कमर में इसका असर पड़ता है और कमर में दर्द होने। कई बार कमर के दर्द की वजह से पेन किलर टेबलेट्स, एलोपैथिक पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और जब तक इन पेन किलर्स का असर बदन में होता है तब तक दर्द का एहसास नहीं हो पाता और जैसे ही इन दवाओं के असर जिस्म से खत्म होते हैं फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, दर्द को हमेशा से रिमूव करने के लिए मैं कई दवाएं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और इन दवाओं से फायदा उठाइए। दोस्तों, अगर कमर दर्द की शुरुआत ठंड लगने की वजह से हुई है, ठंड लगने की वजह से अगर कमर का दर्द होने लगे तो ऐसी सूरत में इकोनाइट 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे हर दो घंटे पे मुंह में टपका लें, हर दो दो घंटे पे अगर एक्यूट प्रॉब्लम हो दर्द में राहत होने के बाद दो दो बूंदे दिन में चार बार इस्तेमाल करें। दर्द के खात्मे के बाद दवा बंद कर दें। दोस्तों, अगर ठंड से दर्द बढ़े, चलने फिरने से दर्द में आराम हो, लेटे रहने से, आराम करने से दर्द बढ़ता हो तो ऐसी सूरत में रस्टक्स 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे हर दो घंटे पे मुंह में टपका लें या फिर रस्टक्स 200 पोटेंसी में दो दो बूंद जबान पे टपका लें दिन में तीन बार। दोस्तों, यहां पे एक बात ध्यान रखें कि ठंड की वजह से अगर प्रॉब्लम की शुरुआत हुई हो तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एकोनाइट 30 पोटेंसी और रस्टक्स 30 पोटेंसी दोनों को 5-5 ml लेकर के मिला लें और ऐसी सूरत में इस्तेमाल करें जब ठंड से दर्द बढ़ जाता हो, चलने फिरने से दर्द में आराम मिलता हो और आराम करने से दर्द बढ़ने लगता हो तो ऐसी सूरत में इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। दो दो बूंदे दिन में 4-5 बार इस्तेमाल करें, जल्द फायदा आपको नजर आएगा। कमर के दर्द में दो बायोकेमिक टैबलेट्स हैं जो बहुतायत से इस्तेमाल की जाती हैं, कैल्केरिया फ्लोर 6x या 12x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी पड़ती है। कैल्केरिया फ्लोरिका 6x या 12x 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार। एक दूसरी जो बायोकेमिक दवा है वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, जिसे शॉर्ट में मैगफॉस कहते हैं, मैगफॉस 6x या 12x। अगर कमर दर्द
में सेकने से आराम आए, गर्माहट पहुंचाने से अगर आराम मिलता हो तो ये दवा बहुत ही कारामद और बहुत ही मुफीद होती है। चार चार टेबलेट दिन में चार बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हल्का गर्म पानी हो तो हल्का गर्म पानी के साथ इस टेबलेट को ले लें, चार टेबलेट सुबह, चार टेबलेट चार घंटे के बाद, फिर चार टेबलेट फिर दूसरे चार घंटे, तीसरे चार घंटे के बाद, उसके बाद फिर रात को एक बार, इस तरह से दिन में चार बार। मैंने अक्सर बताया है आपको कि बायोकेमिक टेबलेट्स लेने का तरीका है कि हर चार चार घंटे पे दिन में चार बार लें। अगर इस तरह से आप समझ लें कि अगर 8 बजे लेते हैं एक बार पहला डोज, तो दूसरी खुराक आप लें 12 बजे, तीसरी खुराक आप लें शाम के 4 बजे, और आखिरी चौथी खुराक आप लें रात के 8 बजे। चार चार घंटे पे इस तरह का डोज बन जाता है। तो ये दो बायोकेमिक टैबलेट्स मैंने आपको बताया, कैल्केरिया फ्लोरिका 6x और 12x, और मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम यानी मैगफॉस 6x और या फिर 12x। ये दो दवाएं बहुत ही कारामद और बहुत ही मुफीद होती हैं। अगली दवा जो अब हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है कमर दर्द के लिए, वो है ब्रैनिया। ब्रैनिया का सिम्टम है कि जब ठंड से दर्द बढ़े और चलने फिरने से दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, आराम करने से दर्द में कमी आए और चलने फिरने से दर्द बढ़ता हो, तो ऐसी सूरत में ब्रैनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार तक, या फिर ब्रैनिया 200 सुबह शाम इस्तेमाल करने से फायदा होता है। दोस्तों, कमर के निचले हिस्से में जो कमर का आखिर हिस्सा है जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस हिस्से में अगर दर्द होता हो, झटका आने से दर्द होने लगा हो, तो ऐसी सूरत में एस्कुलस बहुत ही कारामद और बहुत मुफीद दवा है। एस्कुलस 6 या एस्कुलस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने से ही फायदा मिल जाता है। अमूमन अगर 6 या 30 पोटेंसी से फायदा नहीं हो तो 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। यह बहुत ही मुफीद है और बहुत कारामद है एस्कुलस, अगर कमर के निचले हिस्से में जहां रीढ़ का आखिरी हिस्सा हो वहां पे अगर झटका लगने से दर्द की शुरुआत होती हो, अगर वहां पे दर्द अगर हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में एस्कुलस बहुत ही कारामद और बहुत मुफीद है। दोस्तों, कमर का दर्द ऐसा लगे जैसे चुभ रहा हो और उस चुभन की वजह से बदन में पसीना आने लगे और बहुत ही कमजोरी का एहसास हो और सुबह 3 से 4 बजे के बीच में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता हो, तो ऐसी सूरत में काली कार्ब 30 या 200 दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो और पखाना के रास्ते में दर्द हो और ये दर्द रात में बढ़ता हो, तो ऐसी सूरत में सल्फर 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने से फायदा होता है। याद रहे, सल्फर को बड़े पोटेंसी में नहीं लेना है या फिर इसको रिपीट नहीं करना है, 6x या 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक दवा है आर्निका। अगर कमर दर्द के टॉपिक पे अगर आर्निका का जिक्र नहीं हो तो ये आर्निका के साथ या फिर कहिए कि होम्योपैथी के साथ ये नाइंसाफी होगी। दोस्तों, कमर के दर्द में अगर झटका लगने से या काम ज्यादा काम करने की वजह से या ज्यादा उठक बैठक करने की वजह से अगर कमर में दर्द हो रहा हो तो आर्निका बहुत ही कारामद और बहुत ही मुफीद होता है। आप यूं समझ लें कि अगर कमर में चोट लग जाने की वजह से दर्द अगर होता हो तो आर्निका 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, बहुत जल्द आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार जिक्र किया है कि मोटे और थुलथुले लोगों के लिए एक दवा है कैल्केरिया कार्ब। मोटे और थुलथुले लोगों में अगर कमर के दर्द की शिकायत हो और नहाते वक्त कमर में दर्द होने लगता हो, तो ऐसी सूरत में कैल्केरिया कार्ब 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार 2 बूंद मुंह में टपका लें। कई खुराक के बाद ही ये प्रॉब्लम जाती रहती है। चिड़चिड़े और ठंडे मिजाज के लोगों में अगर कमर के दर्द की शिकायत हो, लेटे लेटे ही कमर में दर्द होने लगता हो और मरीज बैठकर करवट बदली करे, सीधे लेटे लेटे करवट बदल नहीं पाता हो, बैठने के बाद उस करवट बदलने
करवट बदल पाता हो, तो ऐसी सूरत में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में या नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से फायदा होता है। दोस्तों, औरतों में खास करके कमर दर्द हो, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता हो और बेड में सोने से या आराम करने से फायदा होता हो, तो ऐसी सूरत में बहुत ही मशहूर दवा पल्साटीला, पल्साटीला 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दें, बहुत जल्द आराम मिलेगा और मरीज को जल्द ही दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कमर के दर्द में अगर डकारे आने से दर्द में आराम मिलता हो, गैस निकलने से अगर दर्द में आराम मिलता हो, तो ऐसी सूरत में सीपीआर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने से कमर का दर्द में अफाका होता है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। याद रहे, सीपीआर 30 पोटेंसी दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई और दवाएं हैं दोस्तों, बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर, यह भी कमर के दर्द में बहुत फायदा पहुंचाता है। बर्बरिस वल्गरिस 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई दवाएं हैं, मैं आगे भी कुछ पेटेंट दवाएं कमर के दर्द के हवाले से मैं आपके लिए अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसे फिर से, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, अगली वीडियो के बनाने में हमें हौसला मिलता है आप लोगों के लिए, नए नए वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। इसके लिए आप प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हासिल हो सके। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को। हमारी दुआ है आपके लिए कि आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहे, खुश और खुर्रम रहे, और हमें अब अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, गुड बाय।